स्वयं सहायता समूह चला रही कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत सोनिया माथुर के द्वारा एक शिक्षिका के खिलाफ तहसील दिवस में शिकायती पत्र भेजा गया, जिसमें सोनिया माथुर के द्वारा शिक्षिका दीपांजलि व उसके पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनके लिए सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह की एक योजना चलाई गई है, जिसके चलते डूडा विभाग से उन्हें पापड़ बनाना, अचार बनाना, मास्क बनाना व जनपद में जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां चलती हैं उनका कलेक्शन करना, ऐसे कार्य डूडा विभाग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कार्य दिया जाता है। यह कार्य सिर्फ वही महिलाएं कर सकती हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद दीपांजलि जो कि प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर नौहझील में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, उनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि सरकार इनको वेतन दे रही है। इसके बावजूद अपने पति उमेश चतुर्वेदी के साथ मिलकर वे जबरदस्ती स्वयं सहायता समूह व अन्य संगठन चला रही हैं, जो कि अनुचित है। जब इसकी शिकायत सोनिया माथुर के द्वारा उच्च अधिकारियों से की तो दीपांजलि शर्मा व उनके पति उमेश के द्वारा महुली रोड बुटीक चला रही सोनिया माथुर के यहाँ पहुंच गए और सोनिया से गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। शिकायतकर्ता सोनिया माथुर को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो उसे देख लेंगे। इसी को लेकर एक दर्जन महिलाओं ने दीपांजलि व उसके पति के खिलाफ एक शिकायती पत्र SDM सदर को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनिया माथुर है। आज जो यहाँ शिकायत करने हैं, क्या शिकायत की, किसकी शिकायत की? मैं यहाँ पे दीपांजलि शर्मा जो नौजील में दौलतपुर उस पर उच्च विभाग का जो वो है स्कूल उसमें टीचर है वो, तो मैं उनकी ये कंप्लेंट करने आई हूँ। आप, मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकारी टीचरों को जब ऑलरेडी इतनी तनख्वाह मिल रही है तो वो अपने बच्चों, घर के बच्चों को स्कूलों को क्यों नहीं पढ़ाती हैं? जो बच्चे हैं छोटे छोटे गरीब हैं उनको क्यों नहीं पढ़ाती हैं? वो उनको स्वयं सहायता समूह बना रही हैं, वीरांगना वाहिनी संगठन चला रही हैं, राधा कृष्ण सेवा समिति चला रही हैं, तो इन चीज़ों को चलाने का उनका क्या अधिकार है? वो अपना स्कूल चलाएं ना, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है क्या सरकार से? तो वो अपना स्कूल चलाएं, बल्कि वो ये जो गरीब महिलाएं किसी का पति नहीं है, किसी के घर में खाने को नहीं है, उनका हक छीन रही हैं, तो आप उनको काम करने दो ना स्वयं सहायता समूहों पर। मैं यहाँ कंप्लेंट इसलिए करने आई हूँ कि 13 तारीख की दिनांक को शाम 6 बजे स्वयं सहायता समूह चला रही हैं दीपांजलि शर्मा अपनी बहन गीतांजलि शर्मा और लक्ष्मी शर्मा के नाम पर। 13 तारीख की शाम को 6 बजे वो मेरे बुटीक जो दाऊजी मार्केट मौली रोड पर स्थित है वहाँ आकर उन्होंने मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया है, मारपीट किया है, यहाँ तक कि एक एक अधिकारियों को लपेट के मेरे से इतने गंदे शब्द बोले हैं कि भाई आप गलत व्यवहार करके, मतलब मैं उनसे दोस्ती यारी बढ़ाकर इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ और इस तरीके से मुझसे शब्द बोले हैं, मेरे को मारा पीटी करी है उन्होंने। और मेरे संग में इन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारा सड़क पे निकलना बंद करा दूंगी, तुम्हारा दुर्घटना में एक्सीडेंट करा दूंगी, तुम्हारा मथुरा में पता नहीं चलेगा, तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी अधिकारियों से जानकारी है, मेरी नेताओं से जानकारी है, मैं इसको जानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ, इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया। मैं तुम्हें अपना दाव खेलूंगी। एक्चुअली मेरे मथुरा में पूरे में 40-45 स्वयं सहायता समूह चलते हैं जिनके रिगार्डिंग मैं डूडा विभाग द्वारा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्य कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी स्वयं सहायता समूहों को चलाती हूँ जिसमें ये साफ साफ है कि मैं काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं गरीब महिला हूँ और मेरे पास में मेरे हस्बैंड का देहांत हो चुका है, कोई और आजीविका चलाने का साधन नहीं है। 6 साल पहले मेरे हस्बैंड का देहांत हो चुका है और मैं अभी सिंगल हूँ, मेरे ना घर में कोई है, ना मेरे ससुराल में कोई है, ना मेरे पास अपना घर का मकान है, मैं अपने आप ही ये सारी चीज़ें करती हूँ। किस प्रकार के कार्य करती हैं आप? स्वयं सहायता समूह में छोटे मोटे कार्य मिलते हैं जैसे कि डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य, शौचालय संचालित करने का कार्य, मास्क बनाने का कार्य, सिलाई कढ़ाई, कोई भी अचार पापड़ का कार्य, कोई भी हम छोटे मोटे कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। बस हमने यही शिकायत करी है कि एक तो मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए, अगर भविष्य में मुझे कुछ होता है या मेरी बच्ची को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार दीपांजलि शर्मा व उसके पति होंगे। क्या नाम है आपका? जी शालू अग्रवाल। आज आप लोग आए हैं, क्या शिकायत की, किसकी शिकायत की है? सर हमने दीपांजलि शर्मा की शिकायत की है क्योंकि वो एक सरकारी टीचर है बट उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। हम 1 साल से जुड़े हुए हैं, हमें कुछ काम ही नहीं मिलता, वो सारे काम करती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर काम करते हैं। आप लोग क्या सी है? शौचालय स्वयं सहायता समूह। कितनी महिलाएं होंगी? 8-10 महिलाएं हैं। क्या कहती हैं वो गीतांजलि? ये काम नहीं करने देती, बस यही प्रॉब्लम है। आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव।
एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल, यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक, बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।